assalamu alaikum everyone how are you all i hope every one of you is fine i am here with another lecture that is lecture number 109 फॉर इंटर पार्ट टू जिसमें हम लोग यूनिट नंबर सिक्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं एंड द प्रिवियस लेक्चर्स में मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक एक स्टार्ट किया था दैट वॉज़ अबाउट क्रोजन क्रोजन का मीनिंग है जंग लग जाना सो so हमने देखा है अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे मेटल्स हैं या बहुत सारे मशीनरी के पार्ट्स जो कि मेटल्स से बने हुए हैं कोई ना कोई हमारे डेली लाइफ में आप uh, आपका सामना हुआ होगा किसी ऐसे मेटल से जिसके ऊपर क्रोजन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है जंग लग गया है और जंग लगने की वजह से वो मेटल का वो पीस जो है वो डैमेज हो चुका है वो यूज़फुल नहीं रहते अगर बहुत ज़्यादा डैमेज बहुत ज़्यादा क्रोजन हो जाए तो हमने क्रोजन देखा क्रोजन होता क्या है और किस वजह से हो सकता है हमारे इन्वामेंट में अगर हम बात करते हैं मेटल पड़ा हुआ है तो मेटल इन्वायरमेंट uh, में से जैसे मॉइस्चर है एयर का उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो आके मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और डिफरेंट कंपाउंड्स बना देते हैं वो जो कंपाउंड्स बनते हैं दे विल विल दे फॉर्म दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ क्रोजन और वो मेटल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं डैमेज कॉज करना स्टार्ट कर देते हैं सो so, हमने देखा था इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी के बारे में भी हमने कहा कि कोरोजन का प्रोसेस तब नहीं होता या स्लो होता है बहुत मेटल को हम प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन से अगर हम मेटल को प्योर फॉर्म में लें अगर वो एब्सोल्युटली प्योर है तो इवन आयरन जो कि सबसे ज़्यादा कुरोड होने वाला मेटल है इस पूरी अर्थ पर उसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं कहा जाता है कि एक साल में जितना आयरन प्रोड्यूस होता है उससे चौथा हिस्सा उसका चौथा हिस्सा जो है वो डैमेज हो जाता है उतने ही साल में उसी एक साल में ड्यू टू कुरोजन सो so, हम आयरन को भी कुरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं बाय टेकिंग इट इनटू द प्योर फॉर्म सो so, उसके लिए हम लोगों ने एक पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी इलेक्ट्रिको केमिकल थ्योरी में हमने ये डिस्कस किया कि किस तरह से मेटल्स जब डिफरेंट मेटल्स जैसे कि आयरन है उसके अंदर डिफरेंट मेटल्स ऐड कर दिए जाते हैं तो वो क्रोजन को कॉज करते हैं उनकी वजह से क्रोजन का प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है और वो मेटल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इसके अलावा हमने डिफरेंट प्रिवेंटिव मेजर तो कुरोजन से जिस तरह से हमने देखा कि कुरोजन से मेटल्स काफ़ी डैमेज हो सकते हैं अब क्या मेथड्स हैं कि हम क्रोजन से अपने मेटल्स को प्रिवेंट कर सकते हैं उनको बचा सकते हैं डैमेज कॉज होने से सो देर आर डिफरेंट मेथड्स पहला मेथड ये है कि हम मेटल को अलॉय की फॉर्म में ले आएँ या फिर हम मेटल को कोट कर दें विद थिन लेयर ऑफ अनदर मेटल तो उसमें हमने पढ़ा था टिन प्लेटिंग का या फिर आयरन के साथ आयरन uh, को कोट कर देना टिन के साथ और उसका हमने सेकंड नेम देखा था कैथोड कोटिंग भी उसे कहते हैं अब क्या होता है कि हम आयरन uh, के ऊपर एक थिन लेयर डाल देते हैं टिन की यानी कि आयरन को मॉल्टन टिन के अंदर डिप करके उसकी शीट्स को uh, बाहर निकाल लें तो वो इट विल कॉज द प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन लेकिन यहाँ पे मसला क्या है कि ये आयरन सिर्फ तब तक क्योंकि टिन जो है एक बहुत स्टेबल मेटल है बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करता बहुत जल्दी क्रोड नहीं हो सकता सो so जब तक एज लॉन्ग लॉन्गेस्ट ये जो टिन की लेयर है जिससे हमने कोट अप किया हुआ है आयरन को वो इंटैक्ट है यानी उसको कोई डैमेज नहीं पहुँचा वो बराबर सही से प्रॉपरली उसने ओवरऑल हंड्रेड कवर किया हुआ है आयरन को तो आयरन तब तक प्रिवेंट है क्रोजन से लेकिन इन केस अगर वो टिन की प्लेटिंग जो है वो कहीं से डैमेज हो हो जाए कहीं पे कोई क्रैक आ जाए कोई होल फॉर्म हो जाए तो उसकी वजह से जब आयरन जो कि टिन के अंदर प्रेजेंट है वो जब कांटेक्ट में आता है एयर के एयर के मॉलिक्यूल्स उससे कांटेक्ट में आते हैं या फिर वाटर के अंदर प्रेजेंट है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स उससे कॉन्टैक्ट में आते हैं तो आयरन जो है जो कि मोर रिएक्टिव है एस कंपेयर टू टिन तो आयरन बहुत ज्यादा यानी नॉर्मली जब वो कोट नहीं था उस सूरत से भी ज़्यादा क्रोड हो जाएगा तो इसीलिए लिए यह एक प्रिवेंटिव मेज़र तो है बट इट इज़ अ लिटल रिस्की मेजर क्योंकि जब तक टिन 100 परसेंट कवर कर रहा है उस ये जो लेयर है वो इंटैक्ट है उसको कोई डैमेज नहीं पहुंचा तब तक आयरन प्रिवेंटेड है लेकिन अगर टिन की लेयर को कहीं से डैमेज हो गया और नहीं पता यूज़र को नहीं पता चला तो उसकी वजह से जो आयरन प्रेजेंट है उस टिन की कोटिंग के अंदर उसको ज़्यादा नुकसान होगा नाउ देर इज़ अनदर मैथड हम किस तरह से अपने मेटल्स को आयरन को स्पेशली आयरन की शीट क्योंकि आयरन तो बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है वास्ट फील्ड्स में यूज़ होता है और सबसे ज़्यादा करोड होने वाला मेटल भी यही है सो so, हम आयरन को एक तो हमने पढ़ा जिसे हम कहते हैं टिन प्लेटिंग या फिर कैथोड कोटिंग उसके ज़रिए प्रिवेंट कर सकते हैं सेकंड मेथड जो है इसे हम जिंक कोटिंग या फिर हम इसे एनोड कोटिंग का नाम भी देते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग गैल्वेनाइजिंग का प्रोसेस भी कहते हैं अब गैल्वेनाइजिंग का प्रोसेस है ये किस तरह से होता है कि इसमें हम एक आयरन की शीट ले लें जो कि रिक्वायर्ड है किसी यूज़ के लिए जिसको हमने प्रिवेंट करना है हम उसको क्लीन आपने आयरन की शीट लेनी है देन यू डिप इट इन जिंक क्लोराइड बाथ एंड हीटिंग उसके बाद उसको डिप करना है और दब आपने उसके बाद डिप करने के बाद उसको हीट अप कर लेना है उसके बाद जो आयरन शीट है इट इज़ देन रिमूव्ड इट इज़ रोल्ड इनटू जिंक बैथ एंड इट इज़ देन एयर कूल्ड आपने क्या करना है आपने शीट लेनी है आयरन की क्लीन शीट लेनी है जिसको आपने यूज़ करना है जिसको आपने कोरोजन से बचाना है आप उसको जिंक क्लोराइड के बाद यानी कि एक सोल्यूशन ले लिया जिसके अंदर जिंक क्लोराइड प्रेजेंट है मोल्टन फॉर्म में आप उसके अंदर इसको डिप कर दें आयरन की शीट को और हीट अप करें उसके बाद आप ये आयरन की शीट उस बाथ में से निकालें उसको रोल करते जाएं उसकी शीट्स हैं तो वो रोलर्स में से पास करें और उन रोलर में जिंक का बात दें यानी जिंक को शावर करें उन रोलर्स के अंदर से और उसके बाद उसको एयर कूल होने दें यानी कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर उसको हवा के ज़रिए कूल डाउन होने दें तो इस केस में अगर ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है जो जिंक की है ये जो बनी हुई है आयरन के ऊपर आपने जो जिंक कोटिंग की है अगर ये डैमेज हो जाए तो तब गैल्वेनिक सेल इस्टेब्लिश हो जाएगा अगर मॉइस्चर है जिस तरह से हमने टिन में भी बात की थी प्रीवियस लेक्चर में कि अगर टिन की कोटिंग है जब तक टिन की कोटिंग इंटैक्ट है कोई डैमेज नहीं होगा यहाँ पर भी सेम केस है जब तक जिंक की कोटिंग इंटैक्ट है कुछ डैमेज नहीं हो रहा है जिंक क्योंकि बहुत रिएक्टिव नहीं है स्टेबल मेटल है तो वो बहुत ज़्यादा वो आयरन को क्रोजन से बचा के रखेगा लेकिन अगर उसकी ये जो कोटिंग है बिकॉज कोटिंग भी डैमेज हो सकती है अगर उसको प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर रहे प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर रहे तो अगर ये कोटिंग डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से जो यहाँ पर प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा कोरोजन का वहाँ पे गैल्वेनिक सेल इस्टेब्लिश हो जाएगा कब इस्टबलिश होगा जिस वक्त मॉइस्चर क्योंकि सारा क्रोजन का प्रोसेस ही मॉइस्चर की वजह से मेनली होता है जो हवा में वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं उनकी वजह से क्रोजन का प्रोसेस बहुत स्पीड अप हो जाता है तो अगर इस सूरत हाल में जब जिंक की कोटिंग को डैमेज कॉज हो चुका है आयरन एक्सपोज हो गया है मॉइस्चर से तो वहाँ पर गैलवेनिक सेल बन जाएगा वहाँ पे आयरन जो है वो कैथोड के तौर पे एक्ट करेगा और जिंक जो है वो एनोड के तौर पे एक्ट करेगा इसका मतलब क्या हुआ कि द इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम जिंक टू आयरन यहाँ पे ऑपोजिट हो जाएगा पहले आयरन से दूसरी तरफ जाते थे टिन की तरफ जिसकी वजह से आयरन को डैमेज कॉज हो रहा था यहाँ पे उल्टा हो गया है यहाँ पे जिंक की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे सॉरी जिंक से आयरन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे जिसकी वजह से देर विल बी डिकेइंग ऑफ जिंक वाइल द आयरन विल रिमेन इंटैक्ट सो ये जो फॉर्म ऑफ कोटिंग है जैसे हम एनोड कोटिंग कहते हैं यहाँ पे क्या होगा कि आयरन जो है वहाँ पर ये यहाँ पे इंटैक्ट रहेगा इट विल रिमेन प्रिवेंटेड इसके ऊपर क्रोजन नहीं होगी बिकॉज इसकी जगह पे जिंक जो है वो यहाँ पे काम करेगा आ, एनोड के तौर पे और उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो गए जाएंगे आयरन की तरफ और आयरन जो है उसकी डिकेंग बच जाएगी वो डिके नहीं होगा और उसके ऊपर जो पहले पिछली सूरत हालों में जितना भी हमने क्रोजन का प्रोसेस पड़ा था हमने कहा था कि डिके जब होता है तब आयरन जो है वो रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्साइल के आयस के साथ और इसकी वजह से वो कंपाउंड्स बनाता है जो उसकी डिके करते हैं बट यहाँ पे जिंक के ऊपर वो सारे कंपाउंड बनेंगे क्योंकि वो यहाँ पे एनोड के तौर पे एक्ट कर रहा होता है और आयरन क्योंकि वो कैथोड के तौर पे है इसीलिए यहाँ पे कोई भी कंपाउंड नहीं बनेंगे आयंस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे तो इसकी वजह से आयरन प्रिवेंट हो जाएगा और जिंक जिसकी हमने कोटिंग की हुई थी वो डिके हो जाएगा तो इस तरह के जो क्रोजन है यहाँ पे आयरन को प्रिवेंट करके जिंक की क्रोजन हो गई है इस तरह के क्रोजन को हम लोग सेक्रिफिशियल क्रोजन भी कहते हैं सेक्रिफिशियल का मतलब है कि एक तरफ तो ये जिंक ने कवर किया हुआ है आयरन को दूसरी तरफ अगर जिंक की यही कोटिंग डैमेज हो जाए तो बजाय इसके कि आयरन को नुकसान पहुंचे जब मॉइस्चर से एक्सपोज होता है जिंक क्योंकि ये ज़्यादा एक्टिव है एज़ कम्पेयर टू आयरन तो वो ख़ुद को नुकसान पहुंचा लेगा यानी खुद जिंक की कोरोजन हो जाएगी और आयरन यहाँ पर सेव रहेगा यहाँ पे किस तरह से है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र का कहा है कि आयरन के आयंस जो हैं जो कैट आयंस हैं जब वो जिंक की इनके ऊपर कोटिंग है तो जिंक क्या करेगा अपने दो इलेक्ट्रॉन आयरन को ट्रांसफ़र कर देगा जिसकी वजह से जिंक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और आयरन जो है वो स्टेबल फॉर्म में न्यूट्रल फॉर्म में चला जाता है तो आयरन जो कि पहले डिके होने वाला था जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको ट्रांसफ़र कर दिए और ख़ुद डिके हो रहा है यहाँ पे कैट आयन बन के सो दिस टाइप ऑफ क्रोजन इज़ कॉल्ड सेक्रीफिशियल क्रोजन जहाँ पे जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके खुद को रोड हो गया है और आयरन को प्रिवेंट कर लिया है सो so, ये एक मैथड है बहुत आ, मतलब कि इंपॉर्टेंट मेथड है यहाँ पे आयरन देख लें चाहे जिंक की लेयर अगर जिंक की लेयर इंटैक्ट थी उसको कोई डैमेज नहीं था तब तक जिंक खुद भी सेफ था उसके ऊपर भी कोई क्रोजन नहीं हो रही थी और आयरन भी प्रिवेंटेड था फ्रॉम क्रोजन लेकिन जैसे ही जिंक की कोटिंग जो है वो डैमेज हुई है तो इंस्टेड ऑफ आयरन बीग करोडेड यहाँ पे जिंक क्रोजन जिंक के ऊपर सारी क्रोजन होती है जिंक डैमेज हो जाएगा लेकिन आयरन जो है इट विल बी इट विल बी सेव्ड फ्रॉम क्रोजन सो इसे हम लोग गैल्वेनाइजिंग का प्रोसेस कहते हैं इसी को हम लोग जिंक कोटिंग का नाम देते हैं क्योंकि उसके ऊपर जिंक मेटल की कोटिंग है या फिर यहाँ पे इसे एनोड कोटिंग का भी नाम देते हैं बिकॉज जिंक जो है वो एनोड के तौर पे एक्ट करेगा और खुद इस एन के ऊपर क्रोजन होती है इसलिए जिंक के ऊपर क्रोजन होगी और आयरन यहाँ पर कैथोड के तौर पर एक्ट करते हुए प्रीवेंट रहेगा तो इस तरह का जो प्रोसेस है गेलवेनाइजिंग का जो प्रोसेस है जिससे क्रोजन से, से बचाया जा सकता है आयरन को दिस प्रोसेस इज़ यूज इन वाटर पाइप्स वो पाइप्स आयरन की जो कि वाटर पास करने के लिए वाटर को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होती हैं उनमें आयरन को यूज़ करने से पहले आयरन की पाइप्स को गैलवेनाइज़ किया जाता है या जिंक की कोटिंग की जाती है उनके ऊपर तो जब तक उन पाइप्स के अंदर वो जिंक की कोटिंग इंटैक्ट रहेगी यानी उसको कोई भी डैमेज नहीं पहुंचेगा तब तक ओवरऑल पूरा का पूरा पाइप सेव रहेगा लेकिन किसी वजह से अगर जिंक को डैमेज पहुँच गया जिंक की कोटिंग को डैमेज पहुँच गया तो रस्टिंग होगी भी तो सिर्फ उसकी कोटिंग के ऊपर यानी कि जिंक के ऊपर और आयरन की जो पाइप है वो प्रिवेंटेड रहेगी सो दैट इज़ वाई दिस गेलवेनाइजिंग प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एज़ कम्पेयर टू टिन कोटिंग वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर टिन को ज़रा सा नुकसान पहुँचा उसकी लेयर को उसकी कोट को तो पूरा अंडर uh, जो आयरन है उसके उसको भी नुकसान पहुँचेगा बट यहाँ पर गेलवेनाइजिंग के प्रोसेस में जब जिंक से कोट करते हैं तब आयरन प्रिवेंट रहता है चाहे उसके ऊपर वाली लेयर को uh, चाहे उसकी ऊपर वाली लेयर इंटेक्ट है या फिर um, अगर उसको डैमेज कॉज हुआ है तब भी आयरन प्रिवेंट रहेगा सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्रोजन एंड प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन उम्मीद है आपको इस पूरे टॉपिक की समझ आई हो आज के इस टॉपिक जिसे हम गेलवेनाइजिंग या जिंक कोटिंग का नाम देते हैं इसकी समझ आई हो सेक्रीफिशियल क्रोजन आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो अगर इस लेक्चर में यहाँ या यह, यहाँ तक पूरे भी किसी भी लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं I am here to help you out and see you in the next lecture till then allah hafiz